हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। चलिए देखते हैं क्या होता है साधारण ब्याज, यानी इसमें कुछ फैक्ट क्या होते हैं हमारे पी और ए आर और टी, और ये होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। चलिए देखते हैं पी क्या होता है। यहाँ पे पी हमारा होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन, मूलधन। और ए क्या होता है अमाउंट यानी मिश्र धन, मिश्र धन। और आर क्या होता है दर, और टी क्या होता है समय, और एस आई क्या होता है ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट जिसे बोलते हैं हम लोग ब्याज। आइए देखते हैं पी यानी मूलधन क्या होता है। कोई व्यक्ति जो धन उधार लेता है, किसी से ऋण लेता है, वो हमारा क्या कहलाता है मूलधन। और मिश्र धन क्या होता है, मूलधन और ब्याज को हम लोग मिलाते हैं तो हमारा प्राप्त होता है मिश्र धन। और दर क्या होता है, जिस दर पर कोई हमारा मूलधन यानी धन को लिया जाता है वह हमारा कहलाता है दर, और जितने समय के लिए लिया जाता है वह हमारा होगा समय। देखते हैं पहला हमारा है ब्याज प्रतिशत। ब्याज प्रतिशत हमें निकालना होगा तो करेंगे क्या हम लोग, यानी आप चलिए देखते हैं। अगर हमें निकालना होगा ब्याज प्रतिशत बराबर होता है आर इंटू टी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगर ब्याज निकालना होगा तो क्या करेंगे, पी आर टी बटा में 100 हो जाएगा यहाँ से। चलिए देखते हैं यानी ब्याज कैसे निकालेंगे प्रतिशत बराबर आर टी। अगर मान लें हम कोई दिया हो, रेट दिया हो 10% और समय दिया हो 5 वर्ष, तो हमारा ब्याज होगा, तो ब्याज प्रतिशत होगा हमारा हो जाएगा 10 गुणा में 5 यानी होगा 50%। यानी कोई भी हमारा धन होगा उसका कितना परसेंट हमारा ब्याज दर होगा, 50%। जैसे देखते हैं अगर मान लेते हैं हमारा मूलधन है 100 रुपया और ब्याज प्रतिशत कितना है हमारा 50, यानी इसका कितना होगा 50%, यानी 100 का 50% हमारा होगा 0, 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा आएगा 50 रुपया। तो ब्याज कितना होगा हमारा यहाँ पे 50 रुपया होगा। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। यदि समय या यदि समय या दर मालूम करना हो, मालूम करना हो तो पहले पहले क्या करेंगे, ब्याज प्रतिशत निकालेंगे, ब्याज। और यदि समय या दर को मालूम करना हो तो पहले ब्याज प्रतिशत ज्ञात करें, पुनः फिर क्या करेंगे हम लोग, ब्याज प्रतिशत में तो हम समय बराबर हमारा हो जाएगा ब्याज प्रतिशत, या ब्याज प्रतिशत में क्या करेंगे हम लोग दर से यानी आर से भाग करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, समय या
आर बराबर होगा हमारा, अगर दर निकालना होगा तो ब्याज प्रतिशत में टी से भाग करेंगे तो हमारा आर निकल के आएगा। चलिए देखते हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं, यदि इस तरह से फैक्ट अगला देखते हैं। फैक्ट धन हो गया, धन हो गया और इधर ब्याज प्रतिशत। चलिए देखते हैं, मान लेते हैं कोई धन हमारा है स्वयं का दो गुना हो जा रहा है, दो गुना। जब कोई धन हमारा दो गुना होगा तो ब्याज प्रतिशत हमारा होगा 100%। यानी दो गुना मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं कोई धन हमारा है 100 रुपया, तो दो गुना हो जा रहा है यानी कितना हो रहा है, 200 गुना हो जाएगा यानी 200 रुपया होगा। जरा ये बताइए 100 से 200 हो रहा है यानी कितना बढ़ रहा है, 200 यानी 100 रुपया बढ़ रहा है, यानी पूरा का पूरा 100% बढ़ा है। ऐसे ही मान लेते हैं कोई अगर हमारा 5 रुपया है वह 10 रुपया हो गया, अगर दुगुना हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है, पूरा 5 बढ़ रहा है यानी पूरा अपने आप में 100 बढ़ रहा है, यानी दो गुना होगा तो ब्याज दर हमारा कितना होगा, ब्याज प्रतिशत होगा 100 रुपया। चलिए आगे देखते हैं, अगर मान लेते हैं यह 3 गुना होगा, अगर कोई धन है वह 3 गुना होगा तो ब्याज प्रतिशत हमारा होगा 200%। यानी एक कम हो रहा है और 100 ऐड हो रहा है। ठीक, अगर ऐसे मान लेते हैं 4 गुना होगा तो हमारा ब्याज प्रतिशत होगा 300%। अब मान लेते हैं अगर 1.5 दिया हो, यानी 1/2 हो रहा है तो हमारा ब्याज होगा आधा बढ़ रहा है यानी 50% होगा। अगर मान लेते हैं 2.5 गुना हो रहा है अगर 2.5 गुना होगा तो यानी यहाँ से एक कम होगा और यहाँ से आधा यानी कितना आएगा, 150%। एक कम करके 100 को जोड़ देना है। ऐसे ही मान लेते हैं अगर 3.5 गुना होगा, 3.5 गुना हो रहा है तो हमारा होगा यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से आधा होगा यानी 250% होगा हमारा ब्याज। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, मान लेते हैं अगला, यदि यदि कोई धन T1 वर्ष में N1 गुना तथा T2 वर्ष में N2 गुना हो रहा है, गुना हो तो हमारा हो जाएगा T2/T1 बराबर N2-1/ हो जाएगा N1-1। या अगर यहाँ पे दर दिया रहेगा तो हो जाएगा हमारा यहाँ से R2/R1 बराबर हो जाएगा N2-1/N1-1। तो ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है। अगर मान लेते हैं यदि कोई धन
यदि कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। तो दर ज्ञात कीजिए, दर ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा 2 गुना हो रहा है, तो जरा मुझे बताइए ब्याज ब्याज प्रतिशत हमारा कितना होगा? 2 गुना हो रहा है तो 100% होगा, यानी ब्याज प्रतिशत हमारा होगा 100%। और यहाँ पे क्या है, समय दिया है 5 वर्ष। तो क्या करते हैं, आर निकालने के लिए ब्याज प्रतिशत बटे समय, यानी प्रतिशत ब्याज बटा में टी हो जाएगा, तो हो जाएगा 100/5, तो बराबर आ जाएगा 20। तो हमारा दर हो जाएगा 20%। चलिए अगर ऐसे ही देते हैं, आगे दिया हो चलिए ऐसे देखते हैं, अगर दिया हमारा आगे, चलिए आगे देखते हैं। अगर मान लेते हैं कोई धन है, कोई धन 10% की दर से 3 गुना हो रहा है, कोई धन 10% की दर से 3 गुना कितने वर्ष में होगा, कितने गुना सॉरी कितने वर्ष में होगा, कितने वर्ष में होगा। चलिए ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, पहले ब्याज प्रतिशत निकालेंगे। तो प्रतिशत ब्याज बराबर हमारा होगा, 3 गुना हो रहा है तो प्रतिशत ब्याज हमारा कितना होगा, 2 होगा, 200। हमारा प्रतिशत ब्याज कितना होगा, 200 होगा। चलिए और यहाँ पर दिया है दर, यानी आर दिया है हमारा 10%, तो हमारा समय हो जाएगा ब्याज प्रतिशत बटा में आर हो जाएगा, यानी आएगा हमारा 200/10। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 20 वर्ष। तो हमारा 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। इसका पहला है कोई धन 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी, यानी हमारा धन दिया है कोई वार्षिक ब्याज की दर से, यानी आर दिया है यहाँ पे 12%, और कितने वर्ष में 2 गुनी हो रहा है, तो यन का मान दिया है यहाँ पे 2 गुना। पूछा है वर्ष यानी समय पूछा है, टी पूछा है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले ब्याज प्रतिशत निकालेंगे। तो हमारा ब्याज प्रतिशत आएगा यहाँ से, जब 2 गुना हो रहा है तो 100% होगा, ये हमारा ब्याज प्रतिशत हो गया। और समय निकालने के लिए क्या करेंगे, आर से भाग करेंगे, तो हमारा टी बराबर हो जाएगा 100/12। जो सॉल्व करेंगे तो आएगा 96, 96 यानी 4 बचेगा, इतना वर्ष, और यहाँ से बचेगा शेष हमारा 4 हो जाएगा, और 4 में 12 चौक 48, तो 12 चौक 48 यानी 4 मंथ महीना।
यानी 8 वर्ष 4 महीना में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, 4 महीना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 7 वर्ष, अगला क्वेश्चन हमारा है, साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। यानी साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 7 वर्ष में दोगुनी हो रहा है, यानी 7 वर्ष में 2 गुना हो रहा है। आगे 7 वर्ष में 2 गुना हो रहा है। और पूछा है कितने वर्ष में यह हमारा 4 गुना होगा। चलिए तो फार्मूला देखते हैं। T2/T1 बराबर होता है हमारा N2-1/N1-1। तो यहाँ पर मान लेते हैं T2 हमारा ज्ञात करना है, तो हो जाएगा T2/T1 हमारा है 7 वर्ष बराबर N2 यानी 4-1 बटे हो जाएगा 2-1, यहाँ से हो जाएगा 3/1 या 7×21। तो हमारा T2 बराबर हो जाएगा 21 वर्ष। तो हमारा 21 वर्ष में 4 गुना होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर किसी राशि पर 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज उस राशि का 2/5 भाग होता है, तो दर कितना होगा। यानी प्रति वर्ष ब्याज दर पर दिया है राशि पर 10 वर्ष में, यानी समय दिया है हमारा 10 वर्ष में मिलने वाला जो धन है वह 2/5 है। यानी यह हमारा ब्याज है, यह हमारा मूलधन है, सॉरी मिश्र धन होगा, यह हमारा ब्याज होगा और बटे क्या जा गया, मिश्र धन होगा हमारा, मिश्र धन। चलिए ब्याज हमारा इतना हो रहा है, मिश्र धन हमारा 5 है, तो मूलधन कितना होगा हमारा, मूलधन हमारा 3 रुपया होगा, क्योंकि मिश्र धन घटाएंगे तो हमारा आएगा मूलधन 3 और 10 वर्ष है। तो पूछा है दर क्या होगा, तो ब्याज बराबर हमारा होता है PRT/100। चलिए ब्याज हमारे यहाँ से होगा 2, पी है यहाँ पे 3 रुपया और गुड़े आर निकालना ही है, गुड़े समय है यहाँ पे 10/100 हो जाएगा 100। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी आएगा हमारा 10 × 20, तो हमारा आर बराबर हो जाएगा 20/3, तो 36/18, 6 2/3%। चलिए आगे देखते हैं। आगे है साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर क्या होगी जिसमें कोई धन 16/2/3 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। यानी समय दिया है हमारा 16/2/3 वर्ष और ये हमारा हो रहा है 2 गुनी। तो दर पूछा है, दर ज्ञात करने के लिए पहले हम लोग क्या निकालेंगे, प्रतिशत ब्याज निकालेंगे। तो प्रतिशत ब्याज बराबर हो जाएगा हमारा 2 गुना हो रहा है, तो प्रतिशत ब्याज हमारा 100 होगा। चलिए तो रेट बराबर हो जाएगा प्रतिशत ब्याज और 1/समय, यानी 16 × 3 = 48, 50/3 हो जाएगा, 50/3, 3 हमारा ऊपर हो जाएगा, तो 300/50
जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 × 6 = 30, तो 6% हमारा रेट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, साधारण ब्याज की दर कितनी है जिस वर्ष पर कोई धन राशि 50 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। तो 50 वर्ष में तीन गुना हो रहा है, जब 3 गुना हो रहा है तो ब्याज प्रतिशत हमारा होगा 200, और दर पूछा है तो रेट बराबर हो जाएगा हमारा ब्याज प्रतिशत बटा में समय। तो 50 जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 × 6 = 20, तो हमारा 4% दर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है और समान साधारण ब्याज की दर से वह कितने वर्ष में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। चलिए देखते हैं, 5 वर्ष में या 5 वर्ष में हमारा 2 गुना हो रहा है। आगे कहा है कितने वर्ष में, यानी मान लेते हैं T2 वर्ष में यह हमारा 16 गुना होगा, तो होता है हमारा फार्मूला T2 / T1 = N2 - 1/N1 - 1। तो T2 यहाँ पे हो जाएगा T1 दिया है 5 वर्ष और N2 दिया है 16, यानी आएगा हमारा 16 - 1/2 - 1, यहाँ से जाएगा हमारा 15/1, तो 15 × 75, तो T2 = हमारा हो जाएगा 15 × 75, तो 75 वर्ष में ये हमारा हो जाएगा 16 गुना। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, कितने वर्ष में एक धनराशि 5% वर्ष के साधारण ब्याज की दर पर स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। यानी यहाँ पे दर दिया है, रेट दिया है हमारा 5% और 3 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, तो ब्याज प्रतिशत हमारा होगा, 3 गुना के लिए होता है 200 और रेट पता है और ब्याज पता हो गया, तो हमारा टी हो जाएगा, यानी होता है ब्याज प्रतिशत बटा आर, तो ब्याज प्रतिशत हमारा यहाँ पे है 200, 200 बटा में रेट है 5, तो 5 × 20, 40 वर्ष। चलिए